लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी हो कर मैं ना हूं कैसे कहूं किससे के सारे पंडित आ गए, पूजा का पूरा तैयारी हो गया। इतने बड़े इतने महत्वपूर्ण संस्कार का कायदा कानून तो मानना चाहिए था ना देव बाबू। एक काम करती हूँ मैं, चली जाती हूँ अभी। अब छोटी बहू तैयार हो गई, बस अब जल्दी से उसे लेकर यहाँ आ जाइए क्योंकि यहाँ सब इंतजार कर रहे हैं। वो मुझसे कह रहे थे कि मैं उनकी छोटी बहू को शीघ्र घर भेज दूँ। मैं कहाँ से लाऊं उनकी छोटी बहू? लल्ला, मेरे पास एक उपाय है। पूजन के वास्ते विशाखा की जगह विशाखा के कपड़ों में राधिका को भेज देते हैं। ये आप क्या कह रही हैं अम्मा, ये तो अधर्म है। ऐसी बात करने के पूर्व आपने सोचा भी नहीं? मुझको पता है, पहली बार सुनने में तो को ये बात अधर्म ही लगेगी, पर क्या अम्मा, ये बखत दोनों परिवार के सम्मान के बारे में सोचेगा। सिर्फ हमारे ही घर की नहीं, पुरोहित खानदान की इज्जत का भी सवाल है। मैं जानता हूँ, और इसके लिए विशाखा को ढूंढना आवश्यक है। अरे विशाखा को तो हम एक दो घंटे में ढूंढ लेंगे, लेकिन तब तक उसके घर में बवाल मच जाएगा। दोनों परिवार की इज्जत बचाई के वास्ते इससे अच्छा समाधान मोको ना सूझे तो कुछ मत सोच, हम सब संभाल लेंगी। तू बस विशाखा को ढूंढने की कोशिश कर। अरे बहुरिया, बहुरिया इको समझाना, लल्ला को समझाना। बहुरिया, लल्ला मैं जो कह रही,
बवाल शांत करने के लिए ऐसा अनुचित कार्य कदापि नहीं किया जा सकता। ये कौन सा न्याय है कि एक बेटी के द्वारा दिए गए दुख को दूर करने के लिए हम दूसरी बेटी की बलि चढ़ा दें? अपना मान सम्मान बचाने के लिए अपने बेटी के मान की चिंता ही छोड़ दें? लल्ला, तू मोको गलत समझ रहा है। अगर वो पूजा समय पर शुरू ना हुई तो सम्मान तो जावेगा ही जावेगा, पर साथ में जो पाप चढ़ेगा दोनों परिवारों पर, उसका कोई समाधान है का? अम्मा, ये समाधान नहीं है, ये धोखा है, धोखा है। है, यही समाधान है। सुन लल्ला, आ बैठ। लल्ला, तू उस ठाकुर जी की पूजा करे है जिसने समय समय पर धर्म की रक्षा करने के लिए झूठ का ही सहारा लिया था। अम्मा, ईश्वर को सब क्षमा होता है। लल्ला, ये मत भूलियो, ईश्वर ने इस सगरे काज इंसान के स्वरूप में अवतार लेकर ही किए थे। अम्मा, असत्य और अधर्म में अंतर समझिए। होवत है, अंतर होवत है लल्ला, लेकिन गीता में भी लिखो है कि एक झूठ से अगर किसी की जान बचती है तो एक झूठ 100 सच के बराबर है। अब बता कि किसी की जान बचाना धर्म है या अधर्म? तू बता बहुरिया, समझाई से समझा। अरे यहां तो कितने सारे लोगों की जान बचेगी। हाँ लल्ला, अगर पूजा के समय उन परिवार वालों की नाक कट गई तो वो लोग का सह पावेंगे? अरे देव बाबू की दादी तो सदमे में ही मर जाएगी। अभी अभी तो उनके घर में एक घटना हुई है, अब कौनों और अनर्थ ना हो जावे। ऐसे भी लल्ला, अधर्म तो तब होगा ना जब हम राधिका को पूजा में बिठाएंगे। अरे हम तो ये सब कर रहे हैं, थोड़ा सा समय चाहिए इसलिए, है कि नहीं बहुरिया? हाँ, अरे पूजा शुरू होने से पहले हम विशाखा को ढूंढ लेंगे और दोनों को आपस में बदल देंगे। राधिका तो वैसे ही घूंघट में रहेगी ना। अम्मा, इस बात का निर्णय लेने का अधिकार मेरे पास नहीं, मुझे देव बाबू से बात करनी होगी, उन्हें सारी बातें इस विषय में बतानी होगी। लल्ला, लल्ला, तू बता दियो, देव बाबू को बता दियो कि हमें उपाय मिल गयो है। हमने राधिका की भावनाओं के बारे में तो सोचा ही नहीं, वो क्या सोचेगी इस बारे में? वो की तू फिकर ना कर, वो को मैं समझाए दूंगी। तू जा, जाकर दामाद बाबू को फोन कर। जा जल्दी, जा लल्ला, जा ना जल्दी से देव बाबू को फोन कर, जा। राधे कृष्ण। It's all right. Pura? Hi, cuties. Kya hua, cuties? Ye gulabi chehra. White kaise ho gaya? Oh, tension mention? Tension nahi hogi, Pura. Ghar se bhagi hui hu main. Sab log mujhe dhoond rahe. Jaane ka khair. Pata hai, kisi tarah chupte chupate jaan bachayi hai maine. अब तुम्हें किसी से जान बचाने की जरूरत नहीं, मैं आ गया हूँ ना। अच्छा पूरब, ट्रेन 1 घंटे में, लेकिन तब तक हमें छुप के रहना होगा, कहीं कोई फिर से आ गया तो। लगता है क्यूटीज तुमने बचपन में आइस पाइस नहीं खेला। क्या आइस पाइस? मतलब छुपम छुपाई। इस गेम की सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि छुपने वाला
वहीं जाकर छुपता है जहां ढूंढने वाला ढूंढकर जा चुका है। अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, ये तुम्हारा देव वेव जा चुका है। कहीं बैठे चलो। को पता है तो को अचरज तो होगा ही, पर और कोई चारा ना है। विशाखा ने जो किया है उससे हम सबके मुंह पर जान दे। विशाखा बच्ची है, नादान है, वो जब लौट कर आवेगी तो उसको हम समझाई देंगी, पर ये बात देव बाबू के परिवार से ये बात को छुपाई के रखने का है। ससुराल वाले सबका सब कुछ माफ कर सकत है, पर बहू का किया नहीं। को पता है तो को विशाखा की रत्ती भर भी फिकर ना आई। उसे कहा देखा था विशाखा को बहन मानत है। बस आज तक जैसे तो विशाखा का साथ देती रही और उसकी हर गलती पर पर्दा खींचती रही, तो को वही करना है। तो को विशाखा बनना है और विशाखा के लौट आने तक विशाखा बनकर ही रहना है। नहीं अम्मा जी, हम राधिका के साथ बार बार ये अन्याय नहीं कर सकते। पिछली बार जब ये हुआ था मैं जानती हूँ इस बेचारी पर क्या बीती थी। तो मोको का खबर ना है? मैं का हाड मांस की बनी ना है? मेरे पास का दिल ना है? पहली बार भी जो हुआ था वो परिवार की इज्जत के लिए किया था, और आज भी वही वजह है। लल्ला तो को अपनी बेटी मानत है, तोरे वास्ते समाज से लड़त है। तोरी भी कोई जिम्मेवारी है कि ना है? बस अब एक तू ही है जो हम सबको इस मुसीबत से उभार सकत है। शायद ही एक वजह है तू ये बात का फायदा उठाए का चाह रही है। तू चाह रही सब तोरे आगे नाक रगड़े, तोरे वास्ते तोरा परिवार तोरा नहीं। तो को तोरा अहंकार रोके है। पर याद रख राधिका, अगर तू अपने पिता का मान नहीं रख सकत है तो तोरी पूजा भक्ति सब व्यर्थ है राधिका, सब व्यर्थ। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।
आपका छोटा बेटा और आपकी छोटी बहू दिखाई नहीं दे रहे। नहीं नहीं, बस आते ही होंगे वो लोग। वो उधर आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। मौका ढूंढ रहे थे ना, खुद ही झोली में आकर गिरा है। माँ जी, मुझे लगता है देव जो कुछ भी कहकर गया है ना, बात उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। वो विशाखा का डरना सिर्फ डरना नहीं है, ऐसा लगता है जैसे जिम्मेदारियों के तनाव से वो शायद बौखला सी गई है। वैशाली, अगर वो बौखला भी गई है तो शास्त्री जी जैसे सयाने इंसान है वहां पर, वो समझाएंगे छोटी बहू को। तुम देखना, छोटी बहू अपने आप को योग्य जरूर साबित करेगी। चाची माँ खुद को योग्य तो तभी साबित कर पाएंगी जब वो यहाँ पे आएंगी। ऐसा क्यों बोल रहे हो सुशील? इतना भी बुरा सोचने की क्या जरूरत है? दुख तो इसी बात का है चाची माँ, हमको तो सब लोग गलत ही समझते आए। अब देखिए, खुद अपनी आंख से देखिए, पूजा के ठीक पहले छोटी बहू मायके जाके बैठ गई है। अब बेचारे देव बाबू उसे लेने के बहाने गायब हो, पर ये तो कुछ भी नहीं है चाची। अब जो बेचारे पूजा के पहले इतना घबरा गए हैं, उनका तब क्या होगा जब जिम्मेदारियों का पहाड़ सर पर टूट पड़ेगा? सोचिए भाई, हमरे तो बस बंसी बजैया, पर इनका कौन खेवैया चाची माँ? इन बच्चों का कौन खेवैया? अगर मुहूर्त का बखत निकल गया ना, कौड़ी भर की इज्जत नहीं रहेगी दुनिया समाज में, काम वो दिखाएंगे। अब अगर इज्जत बचानी है ना, हम तो कहते हैं कि अर्जुन और दीपिका को पूजा में बैठा दो। लल्ला, बात हुई दामाद बाबू से? फोन नहीं लगा। क्या कहा राधिका ने? उको मनाने की बहुत कोशिश की हमने, पर लगता है उको परिवार की कोई फिक्र ना है। अब तो ठाकुर जी ही जो करेंगे सो करेंगे। कौन है? आइए अंदर। मैं आप सबको जो बताने आया हूं वो सुनकर आप। हम जानते हैं दामाद बाबू, मैंने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन विशाखा मुझे कहीं नहीं मिली। आप लोगों को कोई खबर मिली है क्या? समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूं। वहां पूजा का समय हो रहा है और वहां सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। एक उपाय है दामाद बाबू। क्या? आप राधिका को विशाखा के कपड़े उड़ाकर घर ले जाइए।
ये आप क्या कह रही हैं दादी जी? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं उस लड़की को घर लेके जाऊं जो मेरी पत्नी नहीं है, जिससे मेरी शादी नहीं हुई। पर और कोई राह भी तो ना दिख रही है दामाद बाबू। सबको पता चलेगा आपके परिवार वालों को तो कितना दुख होगा। पूजा में सब आ चुके हैं, छोटी बहू की राह देख रहे हैं, ऐसे में सबको पता चलेगा तो? नहीं दादी जी, उन्हें सच बताने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वही तो हम कह रही हैं। पर दादी जी, सबको सच बतावन के बजाय राधिका को घर ले जाइए। तब तक विशाखा के बाबू विशाखा को ढूंढ लाएंगे। सबको पता चले उससे पहले विशाखा घर में होगी। क्या राधिका इस बात के लिए तैयार है? मैं राधिका के तैयार होने की क्या बात है? राधिका ना नहीं करेगी, वो तो वही करेगी जो हम उसको करने को कहेंगे। नहीं दादी जी, इसमें राधिका की राय लेना बहुत जरूरी है। पर अम्मा, राधिका की सहमति आवश्यक है। क्या जरूरत है लल्ला, क्या जरूरत है? हम कह रही हैं ना। राधिका कहाँ है? उधर। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? देखिए, मैं आप पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डालना चाहता। आप बिना हिचकिचाए अपने मन की बात कह सकती हैं। पत्नी बनकर ऐसे आदमी के साथ चलना जिसके साथ आपकी शादी नहीं हुई है, बहुत मुश्किल होगा। पर क्या आप मेरे खातिर ये कर सकेंगी? मुझे आपका जवाब मिल चुका है। आपको ना भूलने का पूरा हक है। आखिर जो कुछ भी हुआ है उसमें आपकी क्या गलती है? हम सब लोग आपको क्यों सजा दे रहे हैं? अब जो कुछ भी होगा उसका सामना करने के लिए मुझे खुद को ही तैयार करना होगा। दामाद बाबू, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। नहीं बाबूजी, आप क्यों क्षमा मांग रहे हैं? मैंने अग्नि को साक्षी मानकर विशाखा की जिम्मेदारी ली थी। आप तो कन्यादान कर चुके हैं, अब जो घर छोड़कर गई है वो आपकी बेटी नहीं, मेरी पत्नी है। अगर वो मुझसे दूर गई है तो इसमें कसूर भी मेरा ही होगा। आपने इतना सोच लिया मेरे लिए, वही बहुत है। चलता हूं। मैं चलूंगी।